हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के बारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 334 है। आप पार्ट नंबर 333 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 19 जो है ना आपको यहाँ पर 361 ले समय था, यानी उसी प्रकार से बताना है कि 13 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको 19 है ना, 19 ले आपको यहाँ पर 361 किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर 19 को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 19 रखेंगे, यानी 19 का क्या करते हैं, यहाँ पावर कितने करेंगे, एक करेंगे, यानी 19 का पावर एक करेंगे तो 19 आएगा, कितने का 19 आएगा, ठीक है, यानी 19 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 300 देखिए तो 300 जो आपको दिया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 19 का पावर 2 करेंगे, यानी 19 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 361 आएगा। देखिए यानी 19 में एक बार गुना करेंगे तो 19 आएगा, और 19 से 19 दो बार गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 361 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 13 को क्या करेंगे तो 13 को भी पावर क्या करेंगे, एक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 19 का पावर एक ही है, यहाँ पर 13 का पावर एक करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है हमको, 13 तो 13 का पावर क्या करना है, 13 का पावर हमको 2 करना है, यानी 13 दो बार गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 69 आ जाएगा, कितना 169 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगी, 169 हो जाएगा। तो 169 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रेणी दी है, इन श्रेणी में बताना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखें श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 17 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 23 हो रहा है, 23 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 19 हो रहा है, 19 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 25 हो रहा है, 25 ले यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 ले आपको अगला संख्या को याद करना है, और यहाँ पर यानी ये अगला संख्या से आपको यहाँ पर 23 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 17 से आपको 23 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो 17 में क्या करेंगे, 17 में 6 को जोड़ देते हैं, कितना का 23 हो जाएगा, और 23 लेकर लिख रहा है यहाँ पर 19 लिख रहा है, तो 23 में क्या करते हैं, माइनस को 4 कर देते हैं, कितना क्या 19 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, 19 लेकर लिख रहे हैं 25 लिख रहा है, तो 19 में क्या करते हैं, 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया 25 आ जाएगा, और 25 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 21 लिख रहा है, तो 25 ले 21 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 25 में क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे तो कितना गया 21 आ जाएगा, और 21 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 21 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे, क्योंकि 6 को किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 6 को जोड़ा है, फिर माइनस 4 किए, फिर 6 प्लस किए, फिर माइनस 4 किए, तो आपकी बार क्या, आपकी बार 6 प्लस करेंगे तो 21 में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 27 आ जाएगा, और 27 आ गया, कितने का 27 आ गया, और 27 ले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 23 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करें, माइनस 4 करें, यानी 27 में माइनस 4 करेंगे तो कितना गया 23 आ गया। तो आपको बताना क्या है, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, 27 आ गया, तो 27 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इन आकृति में बताना है कि कितने वर्ग हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर वर्ग को गिनेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आकृति में बताना है कि कितने आपको वर्ग दिख रहा है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना, ये आकृति में आपको कितने वर्ग दिख रहा है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए गिनने का एक तरीका होता है। देखिए यहाँ पर कहते हैं सबसे जो आसान वर्ग दिख रहा है ना, उसको पहले गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक, और 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, ये 8 हो गया, कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। 8 के बाद में देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, यहाँ पर 10 दिख रहा है, यहाँ पर 11 हो गया, ये वाला आपको 12 दिख रहा है, कितना वर्ग दिख रहा है, 12 दिख रहा है, और 12 के बाद में देखिए ई वाला एक होगा, ठीक, 12 कितना का ये 13 दिख रहा है, कितना का 13 हो गया, 13 के बाद में एक ई वर्ग दिखेगा, कितना का ये 14 हो गया, कितना का यहाँ पर 14 हो गया, ठीक, कितना का वर्ग दिखिए 14, 14 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 14 के बाद में देखिए, 14 के बाद में यहाँ से लीजिएगा तो क्या गया, यानी 14 एक ही वाला गया, कितना गया 15 गया, कितना गया
15 हो गया, और 15 के बाद में देखिए ई वाला कितना गया, 16 गया, कितना गया, 16 गया, कितना गया, 16 गया, और कहीं दिख रहा है, हाँ 16 के बाद में देखिए और दिख रहा है, ठीक, यानी 16 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, 16 के बाद में एक ही दिखेगा, कितना गया, 17 हो गया, यानी कितना गया, 17 हो गया, यहाँ पर कितना गया हो गया, 17 हो गया, यानी यहाँ पर वर्गों की संख्या कितना गया, यानी 17 हो गया, कितना गया, 17 हो गया, तो यहाँ पर वर्गों की संख्या कितना रहा है, 17 रहा है, क्योंकि देखिए वर्गों का मतलब क्या होता है कि चारों कोना बराबर होगा वही आपको वर्ग होता है, ठीक, तो यहाँ पर कितना गया, 17 हो, यानी वर्गों की संख्या कितना दिख रही है, 17, तो 17 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब चुने। देखिए नीचे आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर विकल्प दिया है, यानी ओ दिया है, पी दिया है, टी दिया है, आई दिया है, ओ दिया है, एन दिया है, इन शब्द को क्या करेंगे, इन शब्द को आपको जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक, क्या करना है, जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपको इस आकृति को अगर हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जल किधर बनता है, जल आपको नीचे की तरफ बनता है, क्या बोल रहा है, जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए तो यहां पे क्या लिख रहा है, यहां पर ओ लिख रहा है, यहां पर पी लिख रहा है, देखिए यहां पर क्या लिखा है, इस शब्द यानी ओ लिखा है, पी लिखा है, यहां पर टी लिखा है, फिर यहां पर आई लिख रहा है, फिर यहाँ पर ओ लिख रहा है, फिर यहाँ पर एन लिख रहा है। अब इसको क्या करें, जल प्रतिबिंब बताएंगे। अगर दर्पण पूछता है तो दर्पण आपको देखिए इस प्रकार से रहता है, लेकिन हमको जल प्रतिबिंब पूछा है तो जल प्रतिबिंब किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक, यहाँ पर नीचे की तरफ बनेगा। देखिए ये जल प्रतिबिंब हमको नीचे की तरफ बनेगा। देखिए तो आप क्या करेंगे, ओ को अगर हम जल में देखेंगे तो यहाँ पर ओ उसी प्रकार से दिखेगा, और पी को जल में देखेंगे, देखिए पी आपको इस प्रकार से दिखेगा, और आई देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी, टी को अगर हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, और आई दिख रहा है, आई को अगर जल में देखेंगे तो इस प्रकार से दिख रहा है, और ओ को आपको जल में देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से दिखेगा, और एन, एन को जब हम जल में देखेंगे तो आपको किस प्रकार से दिखेगा, एन को जब जल में देखेंगे देखिए इस प्रकार से दिखेगा। इस तरह का जो आपको क्या है, जल प्रतिबिंब आ गया, ये क्या है, यानी जल प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या है, जल प्रतिबिंब आ गया, क्या है, जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब आ गया। तो अब आपको सवाल भी पूछा है कि जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, तो इस आकृति को जल प्रतिबिंब में देखेंगे, देखिए इस तरह से दिखेगा, तो इस तरह का जो आपको यानी आकृति है ना, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर किस में दिख रहा है, ओ पी टी आई ओ एन, एन देखिए एन क्या लिख रहा है, एन आपको सीधा की तरफ लिख रहा है, एन ए आई, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन बी को देखते हैं, देखिए ऑप्शन बी देखेंगे तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में देखिए आपको सब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए पी और टी क्या लिख रहा है, यानी सीधा लिख रहा है, ठीक। देखिए ई भी क्या हो गया, आपको नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ओ दिख रहा है, पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, आई दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा की परीक्षा में यानी कुछ विद्यार्थियों के कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग प्राप्त हुआ, यानी स्थान प्राप्त हुआ, यानी विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर हैं और नीचे से 15वें स्थान पर हैं, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक परीक्षा में, देखिए एक कक्षा की परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के उनके अंकों को आधार पर अलग अलग प्राप्त यानी स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। आपको बोल रहा है कि विवेक शीर्ष ले कितना है, 12वें स्थान पर है, तो विवेक शीर्ष ले कितने हैं, 12वें हैं, तो यहाँ पर 12 को रखते हैं, स्थान पर हैं। अब बोल रहा है कि और नीचे से क्या है, 15वें स्थान पर है, नीचे से कितने हैं, 15वें स्थान पर हैं, यानी नीचे से 15वां स्थान हो गया। तो कुल यानी कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जब पूछेगा कुल कितने विद्यार्थी ने परीक्षा दी या कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा, इसमें करना कुछ नहीं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस वन कर लेंगे, ठीक। देखिए तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, माइनस वन कर लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना देगा, सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर देखिए 27 आ गया, 15 को 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 27 आ गया, और 27 में से माइनस वन कर लेंगे तो बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 26 बचेगा, कितना बचेगा, 26 हो जाएगा। यानी कुल कितने विद्यार्थी ने परीक्षा दी, तो यानी 26 को, तो 26 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों छः नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर क्या देखिए, बैटरी, बैटरी जो है आपको टर्मिनल से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि चुंबक जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो बैटरी है ना आपको टर्मिनल से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से बैटरी में क्या होता है, टर्मिनल होते हैं, बैटरी में क्या होता है यानी टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ पर होते लिख देते हैं, ठीक है, यानी होते हैं। देखिए बैटरी में टर्मिनल होते हैं, उसी प्रकार से चुंबक में क्या होते हैं, तो चुंबक में क्या होते हैं, ठीक, यानी चुंबक में क्या होते हैं, तो चुंबक में धातु क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं,
यहाँ पर कहते हैं ध्रुव होते हैं। देखिए जिस प्रकार से बैटरी में टर्मिनल होता है उसी प्रकार से चुंबक में क्या होता है ध्रुव होता है। तो ध्रुव को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी 94, 38, 72, 51 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है यानी जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा यानी 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले पांचवे और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको यदि एक संख्या दिए क्या दिए एक संख्या दिए इन संख्या में यहाँ संख्या लिख रहा है तो संख्या को पहले लिख लेते हैं। ठीक देखिए संख्या क्या लिख रहे थे, यहाँ पर 9 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 4 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 3 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 8 लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 7 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 2 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 5 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 1 लिख रहा है। ठीक यानी संख्या लिख रहा है यानी संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या के देखिए ये संख्या लिखे इन संख्या में विषम अंक में क्या करना है 2 को जोड़ देना है। तो विषम अंक में क्या करते हैं हम 2 को जोड़ देते हैं। देखिए तो विषम अंक आपको कौन सा दिख रहा है यानी 9 क्या दिख रहा है विषम दिख रहा है, इसमें क्या करना है हमको 2 को जोड़ देना है। जब 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गैप यानी 9 2 कितना होता है 11 होता है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 3 3 में भी क्या करना है विषम संख्या में हमको तो क्या करना है 2 को जोड़ना है। जब विषम संख्या में बोल रहा है कि 2 को जोड़ देना है तो विषम संख्या में 2 को जोड़ देते हैं, यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया 5 आ गया। देखिए 7 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं, यहाँ पर कितना गया 9 आ गया। ठीक यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे कितना गया 9 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया तो 5 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे, जब 5 में भी 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया 7 आ गया और 1 में भी क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे, 1 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 3 आ गया। यानी विषम अंक में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ बोल रहा है कि विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, लेकिन प्रत्येक सम अंक में क्या करते हैं 1 को घटाते हैं यानी सम संख्या में क्या करेंगे 1 को घटाएंगे। देखिए तो सम संख्या 4 दिख रहा है, इसमें क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, जब 1 को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा 3 आ जाएगा। आगे दिया है कि 8 8 क्या सम संख्या, इसमें क्या करना है माइनस को 1 करना है यानी 7 बचेगा। आगे दिया 2 2 में से क्या करते हैं 1 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, इस प्रकार बनी नई संख्या, देखिए ये आपको क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, क्या बन गया नई संख्या बन गया। तो नई संख्या में ठीक नई संख्या में पहले देखिए बोल रहा है कि पहले और पांचवे, देखिए पहले पांचवे और अंतिम अंकों का योगफल कितना होगा, आपसे क्या पूछा है पहला और यहाँ पर पांचवा और अंतिम अंक का योगफल बताना है। ठीक देखिए तो यहाँ पर पहला कौन सा दिख रहा है, देखिए पहला कौन सा दिख रहा है तो पहला में 11 नहीं लेंगे क्योंकि 11 में डबल संख्या दिया है तो हमको पहला लेना है। ठीक क्या करना है पहला लेना है तो पहला में क्या हो जाएगा, पहला में आपको 1 हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पर पांचवा बोल रहा है तो देखिए 1 2 11 में 2 संख्या हो गई तो 2 हो गई, 3 4 5 पांचवा आपका आ गया, यहाँ पर 7 आ गया और अंतिम में क्या आ गया 3 आ गया। इनकी तीनों को क्या करेंगे आपस में क्या करना है आपस में जुड़ना है, क्या करना है आपस में जुड़ना है। ठीक आपस में क्या करना है जोड़ देना है, आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपस में करते हैं जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर प्लस कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। इनको जोड़ने के बाद में कितना गया तो 7 3 10 1 11 गया, कितना गया यहाँ पर 11 गया। यानी वही बोला है कि अंतिम अंकों का योगफल कितना हो गया यानी पहले पांचवें और अंतिम फल अंक का योगफल यानी 11 हो जाएगा। 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आठ नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस बेनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर स्वर्ण दिया है, चांदी दिया है और धातु दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं और इन चार वेन डायग्राम में से कौन सा आपको वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कॉमन कौन सा दिख रहा है, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन को बताना है। ठीक देखिए तो कॉमन क्या दिख रहा है, धातु दिख रहा है, धातु सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, धातु दिख रहा है, यहाँ हो जाएगा धातु होगा। ठीक होगा यानी धातु हो जाएगा, धातु यानी धातु के अंदर ही चांदी भी आते हैं, धातु के अंदर भी यहाँ पर स्वर्ण भी आते हैं। देखिए सबसे कॉमन क्या दिखा, धातु, धातु के अंदर में क्या आते हैं चांदी भी आते हैं और धातु के अंदर में स्वर्ण भी आते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चांदी को रखते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर चांदी होगा। ठीक चांदी हो गया यानी धातु के अंदर में चांदी होगा और धातु के अंदर में ही आपको क्या जाएगा स्वर्ण आ जाएगा, यहाँ पर स्वर्ण हो गया, क्या होगा स्वर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपस में समझित होगा यानी धातु के अंदर में क्या होगा चांदी और यहाँ पर स्वर्ण दोनों हो जाएगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पे होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर दूरी चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ बोल रहा है कि अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की दूरी चलता है यानी तक चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम को बना लेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे तो एक क्या होता है पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है यहाँ पर दक्षिण होता है। डायग्राम बना लिए, अब बोल रहा है कि जो अखिल है ना अखिल वो पूर्व की ओर कितना चलता है 2 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या करते हैं यहाँ से आपको अखिल को रखते हैं, देखिए यहाँ पर अखिल रख लेते हैं, यहाँ से अखिल हो गया यानी ये रख लेते हैं अखिल हो गया, यानी अखिल जो है ना अखिल यानी पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक चला 2 किलोमीटर चलता है। आगे बढ़ रहा है कि फिर वह देखिए फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, देखिए बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा ठीक, और कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है यानी किस दिशा में है, अब बोल रहा है कि वो प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ से और यहाँ का बीच का दिशा बताना है ठीक, क्या बताना है यहाँ से ये किस दिशा में दिख रहा है ठीक, देखिए यहाँ से ये किस दिशा में दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर डायग्राम में एक बार देख लेंगे। देखिए ये प्रारंभिक स्थान हो गया, ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक बार डायग्राम में देखिएगा ना इस तरह से आपको आएगा, देखिए इस तरह से दिया है ना, इस तरह से किस दिशा में दिख रहा है, ये वाला आपको किस दिशा में दिख रहा है, ये वाला देखिए यानी उत्तर दिख रहा है ठीक, कितना दिख रहा है उत्तर दिख रहा है यानी उत्तर पूर्व दिशा में दिख रहा है, क्या दिख रहा है उत्तर पूर्व दिशा में दिख रहा है, यानी प्रारंभिक स्थान से ये क्या है प्रारंभिक स्थान था, ये प्रारंभिक स्थान से यानी उत्तर पूर्व दिशा में दिख रहा है ठीक, उत्तर पूर्व दिशा में दिख रहा है, यानी वही बोल रहा है कि इसमें प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में किस दिशा में है, तो यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर उत्तर दिशा में, तो यानी उत्तर पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना है और माइनस का अर्थ प्लस है, यानी गुना का अर्थ भागा है और यहाँ पर भागा का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए नीचे आपको यहाँ पर प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है ठीक, देखिए यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिए, क्या दिए समीकरण दिए, इन समीकरण में बताना है कि यहाँ पर जो चिन्ह को बोल रहा है चिन्ह को बदलने के बाद में यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर यानी भारत देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो चिन्ह बोल रहा है ना उस चिन्ह को बदल देते हैं। देखिए चिन्ह बोल रहा है कि यदि प्लस का क्या बोल रहा है गुना बोल रहा है, यानी प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है गुना, तो प्लस की जगह पर क्या करते हैं गुना को रखते हैं, गुना रखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस को रखते हैं, प्लस हो गया। अब बोल रहा है कि गुना का अर्थ भागा दिया, जहाँ गुना दिया इसके जगह पर हम भागा रखेंगे। आगे क्या बोल रहा है यानी भागा का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस दिया है, तो भागा की जगह पर माइनस रखेंगे। इस समीकरण को यानी चिन्ह को तो बदल दिए, चिन्ह के बदलने के बाद में अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, यानी 4 गुना कितना हो गया यहाँ पर 22 आ गया, और यहाँ पर 22 आ गया, फिर भागा कितना दिया यहाँ पर 2 दिया है, फिर माइनस कितना दिया यहाँ पर 4 दिया है, और यहाँ पर फिर प्लस कितने दिए 9 दिए, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। अब यहाँ पर पहले भागा को क्रिया करते हैं, यानी 11 दुनी के कितना होता है 22 हो गया, और 11 चौक 44 हो गया, यहाँ पर कितना गया 44 आ गया, यानी 44 हो गया, और माइनस कितना दिए 4 दिए ठीक, 4 दिए, फिर प्लस कितने दिए 9 दिए, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ठीक, यानी 9 दिया है। अब इनको क्या करेंगे 44 में और 9 को आपस में जोड़ लेंगे, 44 को 9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 को और 9 को आपस में देखिए जोड़ लेते हैं ठीक, यानी जोड़ते हैं ठीक, 44 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद में 53 आएगा, कितना 53 आ जाएगा, कितना गया 53 आ गया, और 3 पर 53 में से क्या करते हैं यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 49 बच जाएगा, कितना बचेगा 49 बच जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 49 हो गया, 49 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सागर ने पिज्जा लेते हुए एक व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा वह मेरे अंकल की पुत्री का भाई है, यह व्यक्ति सागर से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिए, देखिए यहाँ पर दिया है कि सागर ने पिज्जा लेते हुए एक व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर किसको रखते हैं, यहाँ पर सागर को रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी सागर हो गया ठीक, यानी सागर हो गया, सागर जो है सागर एक व्यक्ति को देखते हुए, तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं यानी व्यक्ति को रखते हैं, ये क्या हो गया यानी व्यक्ति हो गया ठीक, व्यक्ति हो गया यहाँ तक ठीक है। अब आगे दिया कि देखते हुए कहा वह ने देखते हुए कहा वह मेरे अंकल की, देखिए वो बोल रहा है कि वह मेरे अंकल की, तो सागर की अंकल यहाँ पर अंकल रख देते हैं, देखिए यानी क्या हो जाएगा
अंकल, ठीक है अंकल, यानी देखिए सागर की अंकल की, अंकल की पुत्री, अंकल की पुत्री, तो अंकल के यहाँ पर पुत्री को रख लेते हैं, यानी अंकल की पुत्री, पुत्री का भाई, देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि अंकल की यानी पुत्री का भाई, अंकल का पुत्री का भाई कौन है, ये आपको व्यक्ति है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई हो गए, क्या हो गए, ये भाई है, क्या है भाई है, तो वह व्यक्ति सागर से किस प्रकार से समझते हैं, तो वह जो व्यक्ति है ना वो सागर से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए एक बार डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये सागर हो गया, ये क्या दिख रहा है, सागर दिख रहा है, सागर का देखिए, सागर का अंकल हो गया कौन, ये आपको अंकल हो गया, सागर के अंकल का पुत्री, तो सागर का अंकल का पुत्री क्या यानी सागर का क्या बहन लगेगी, और चचेरी बहन होगी, और चचेरी बहन के बाद में देखिए पुत्री, तो अंकल का पुत्री, पुत्री का भाई कौन लगेगा, तो यहाँ पर सागर का अंग देखिए, सागर का क्या लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, क्या कह रहे हैं, चचेरा भाई लगेगा, जब चचेरा भाई लग गया और ये जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति, तो व्यक्ति भी क्या जाएगा यानी चचेरा भाई ही होगा, क्योंकि चचेरा भाई हो जाएगा, यानी सागर के चचेरा भाई, तो यहां पर चचेरा, ठीक है, यानी चचेरा भाई को रखते हैं, क्या रखते हैं यहां पर, भाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए सागर के अंकल, अंकल के पुत्री, यानी सागर के अंकल, अंकल के पुत्री के भाई, तो क्या हो जाएगा, पुत्री के भाई है, तो क्या होगा, चचेरा भाई ही होगा, सागर के क्या, चचेरा भाई हो जाएगा, तो चचेरा भाई यानी जो व्यक्ति है ना वो आपको सागर के क्या लगेगा यानी चचेरा भाई, तो चचेरा भाई देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यानी पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें कथन और निष्कर्ष लिए प्रश्न दिया गया है, ठीक, अरे कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ लिपस्टिक लाल है, तो मान लीजिए कुछ लिपस्टिक को करते हैं यहाँ पर लाल करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर लिपस्टिक हो गया, यहाँ पर अनिल, देखिए ये आपको लिपस्टिक हो गया, ठीक, कुछ लिपस्टिक क्या है, लाल है, तो यहाँ पर कुछ को लाल को रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाल हो गया, क्या होगा, लाल हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे दूसरा में बोल रहा है कि कुछ लाल क्या है, गुलाबी हैं, जो कुछ लाल है ना क्या है, गुलाबी हैं, तो कुछ लाल को यहाँ पर क्या करते हैं, गुलाबी में रखते हैं, ये क्या होगा, गुलाबी हो गया, यह गुलाबी हो गया, ठीक, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी लिपस्टिक क्या है, रंग है, सभी लिपस्टिक क्या है, रंग है, तो सभी लिपस्टिक को यहाँ पर क्या कहते हैं, रंग में रखते हैं, यहाँ पर ये रंग हो गया, ये आपको रंग हो गया, ये तो क्या बोल रहा था, कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर तो हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर यानी निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष पहला में क्या देगी, पहला में आपको देगी कुछ लिपस्टिक गुलाबी है, बोल रहा है कि कुछ जो लिपस्टिक है ना गुलाबी है। देखिए ये आपको कौन सा दिख रहा है, लिपस्टिक दिख रहा है, देखिए ये वाला लिपस्टिक क्या आपको गुलाबी में दिख रहा है, गुलाबी आपको दिख रहा है, यानी जो लिपस्टिक है गुलाबी से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, यानी गलत बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ रंग लाल है, क्या बोल रहा है कि कुछ जो रंग है ना क्या है, लाल है। देखिए ये क्या दिख रहा है, ये आपको रंग दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, रंग दिख रहा है, ये रंग कुछ देखिए ये लाल दिख रहा है, यानी कुछ रंग क्या दिख रहा है, लाल दिख रहा है, ये लाल और रंग में आपस में कुछ संबंधित है, यानी क्या हो जाएगा, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, जब दूसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी दूसरा सही हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए केवल निष्कर्ष यानी दू पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।